श्रोताओं, आज का कमेंट लिया है हमने श्रीमान लोकेश कुमार जी का। इनका कमेंट है, जल का जाया जग है, सब जग जल से हुए। हे ज्ञानियों, मैं ये पूछता हूँ कि जल कहाँ से हुए। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी नए श्रोता हैं, वो ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए श्रोताओं, अब हम श्रीमान लोकेश कुमार की इस पहेली का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। जल का जाया जग है, सब जग जल से हुए। तो ये कह रहे हैं कि जल का जाया जग है। जग मानी संसार, अर्थात संसार की उत्पत्ति जल से हुई है। सब जग जल से हुए, और फिर कह रहे हैं सब जग, संपूर्ण जग जल से ही होता है, अर्थात जल के बिना कुछ नहीं है। हे ज्ञानियों, मैं ये पूछता हूँ, ज्ञानियों मैं ये पूछ रहा हूँ कि जल कहाँ से हुए, कि ये जल कहाँ से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ। तो श्रीमान जी, हम आपको गर्ग संहिता के अनुसार बता रहे हैं कि जल कहाँ से होता है और जल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना दूं, फिर मैं इसका बताऊंगा। उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में, जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, उनके बारे में नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम, जिससे सबसे पहले पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी पर जो पुरुष हुआ था वो परम पिता परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार कोष्टक में जल दे रखा है, वह नार जल ही उनका प्रथम अयन, अयन माने निवास स्थान, उनका प्रथम निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। तो संपूर्ण जगत जल में है। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि जल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भगवान नारायण से हुई। इसीलिए नारायण से जब जल की उत्पत्ति हुई, तो उन्होंने अपना प्रथम निवास स्थान, जो प्रथम निवास स्थान था वो जल को ही बनाया, और जल को नार कहते हैं। इसलिए नार यानी जल में निवास होने के कारण, नार में निवास होने के कारण भगवान को नारायण कहा गया। तो श्रीमान जी, हम आपको बता दें कि जल की उत्पत्ति नारायण भगवान से हुई है, वेद पुराणों के अनुसार। अगर हम वैज्ञानिक मत पर जाएं, तो वैज्ञानिक मत के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें आपस में मिली और जल की उत्पत्ति हो गई, इसलिए जल का फॉर्मूला H2O है। तो श्रीमान लोकेश कुमार जी, अब हम आपकी पहेली को पढ़ते हैं। आप कह रहे हैं जल का जाया जग है, सब जग जल से होए। हे ज्ञानियों, में ये पूछता कि जल कहाँ से होए। तो बाकी की पहेली का अर्थ तो आपने स्वयं ने दे ही दिया है कि जल का जाया जग है, जल से पैदा हुआ तो जग है, संसार है, सब जग जल से हुए और संपूर्ण संसार जल से ही होता है। हे ज्ञानियों, में ये पूछता हूँ कि जल कहाँ से हुए।
तो आपका मेन प्रश्न रह गया जल कहाँ से हुए, यानी जल कहाँ से पैदा हुआ। तो जल भगवान नारायण से पैदा हुआ, क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान से पैदा होने के कारण जल को नार कहा गया, और नार में उस भगवान परम पिता परमेश्वर ने अपना निवास स्थान बनाया, तो इसलिए उस परमेश्वर को नारायण कहा गया, इसीलिए नारायण कहा गया। तो श्रीमान जी, जल की उत्पत्ति नारायण भगवान से हुई है। अब मेरा श्रोताओं से निवेदन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।